कुछ अच्छा हो तो लोग अक्सर लड्डू खिलाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं या फिर उसका प्रसाद भी बांटते हैं। इससे जुड़े कई मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे कि मन में लड्डू फूटना, लड्डू बांटना वगैरह वगैरह। भारतीय आहार में लड्डुओं का अपना एक अलग ही महत्व है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि लड्डू की शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर लोग इसे ही क्यों सबसे ज़्यादा महत्व भी देते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ अलग तरीके के लड्डुओं के बारे में, जिसके फायदे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशु पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास पेशकश सेहतनामा। दरअसल लड्डू में ऐसी सामग्री का उपयोग होता है जो आपकी सेहत को लाभ पहुंचा सकते हैं। वास्तव में लड्डू बनाने के पीछे जो भावना रही है वो यही है कि स्वादिष्ट रूप में लोगों को औषधि दी जाए। यही वजह है कि ज्यादातर लड्डुओं में औषधीय गुण भी होते हैं और गुणों से भरे इन लड्डुओं का गर्भावस्था में भी जमकर फायदा मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बूंदी के लड्डू के बारे में। सबसे ज्यादा प्रचलित और पसंद किए जाने वाले लड्डुओं में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। ये शादी और त्योहार के समय घरों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आमतौर पर बूंदी के लड्डू में काजू, किशमिश, केसर और फ्लेवर के लिए इलायची भी डाली जाती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। अब बात करते हैं बेसन के लड्डू के बारे में। ये लड्डू बच्चों से लेकर बूढ़ों सभी को पसंद आती है। ये भारत में बेहद लोकप्रिय है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं सौंठ और मेथी के लड्डू के बारे में। मेथी के बीज, अदरक या सौंठ, सौंफ और गुड़ से तैयार किए गए लड्डू खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इन लड्डुओं को सर्दियों में खाया जाता है। गर्भावस्था के बाद जच्चा को ये लड्डू खाने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नारियल के लड्डू के बारे में जानते होंगे। नारियल और खोया को कंडेंस्ड मिल्क के साथ पकाया गया ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लड्डुओं के साथ ही आटे के लड्डू भी लोगों को खूब पसंद आते हैं। साथ ही तिल के लड्डू भी लोगों को आमतौर पर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो अगर आपका मन लड्डू खाने का हो रहा है तो आज तो आपको कई सारे विकल्प भी मिल गए हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।